हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शुगर के बारे में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। शुगर केन और शुगर बीट जो हैं दो मेन क्रॉप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं शुगर के प्रोडक्शन के लिए। मतलब मेनली जो हमें शुगर मिलती है वो शुगर केन से मिलती है या शुगर बीट से मिलती है। शुगर केन एंड शुगर बीट आर द टू मेन क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 56% and 44% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो ये दो मेन क्रॉप्स हैं शुगर के फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ये एक शुगर केन का ट्री है, इसमें बहुत सारी स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारी स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। वो जनरली टफ्ट में, गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। टाइलर्स स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टाइलर्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी लेटरल शूट्स अराइज होती हैं एक ही स्टेम से। इसे टिलरिंग बोलते हैं एग्रीकल्चर की फॉर्म में। ओके, उसके बाद जो लीव्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और फिर सबसे टॉप पर इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो शुगर केन की कुछ ही स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है कि हर स्पीशीज़ के अंदर ही शुगर केन के ट्री जो हैं वो फ्लावरिंग शो करते हैं, और फ्लावरिंग भी सीजनल होती है। तो ये तो हमने एक बार देख लिया इसका ओवरऑल व्यू। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो शुगर केन का बोटैनिकल नेम है सैकरम ऑफिसिनैरम। वर्नलाइजेशन नेम है इसका गन्ना, और फैमिली ग्रैमिनी। ग्रैमिनी और पोएसिस में हम बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब हम अगर हम बुक में देखें ग्रैमिनी लिखा हुआ है, हम अगर वैसे नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो वो पोएसी दिखाता है। तो दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या ये दोनों फैमिलीज अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक जगह ग्रैमिनी लिखा है एक जगह पोएसी लिखा है। तो ग्रैमिनी और पोएसी जो है ये एक ही फैमिली के दो नेम्स हैं। शुगर केन जो है वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, और जितनी भी ग्रासेज होती हैं वो सभी पोएसी फैमिली में आती हैं। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, शुगर केन इज़ अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जो फार्मर है जो इस क्रॉप को ग्रो कर रहा है वो उसके पास इसका कोई अपना यूज़ नहीं होता। वो इसको टोटली बेचने के लिए फैक्ट्रीज में ग्रो करता है, और उसका पूरा का पूरा जो मोटिव होता है वो होता है इनकम का सोर्स। अपने पैसे कमाने के लिए ही वो इस क्रॉप को ग्रो करता है, और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए शुगर केन को कैश क्रॉप भी बोलते हैं। शुगर केन इज़ अ टॉल पेरिनियल ग्रास विच ग्रोज इन क्लम्प्स। बहुत लंबा प्लांट होता है इसका, और पेरिनियल ग्रास है, क्लम्प्स गुच्छों में ग्रो होती है। हाइट वेरी बिटवीन 8 to 20 feet। सिंगल प्लांट मे बियर अ नंबर ऑफ स्टेम्स इन अ टफ्ट। दिस प्लांट प्रोड्यूस अनब्रांच्ड स्टेम्स टिल 2 to 8 meters एंड ऑफ अराउंड 5 centimeters। मतलब स्टेम्स जो हैं अनब्रांच्ड रहती हैं 2 to 5-7 meters तक, और जो उनकी विड्थ होती है वो नियरली 5 centimeters होती है। स्टेम कैसी है? सॉलिड है, जॉइंटेड है। शुगर केन के जो स्टेम होते हैं वो थिक होते हैं, और उसमें टिलरिंग प्रेजेंट होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। टिलरिंग की वजह से उसके नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, और जो स्टेम के अंदर जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहीं से लीव्स अराइज होते हैं। अब लीव्स भी अल्टरनेट मैनर में अराइज होते हैं, और दो रोज बनती हैं, वो स्टेम की किसी भी साइड पर हो सकती हैं। तो लीव्स ऑफ प्लांट ग्रो फ्रॉम नोड्स ऑफ द स्टेम अरेंज्ड इन 2 rows ऑन इधर साइड ऑफ द स्टेम। रूट सिस्टम इज फाइबरस। फ्लावरिंग ऑफ शुगर केन इज सीजनल। फ्लावरिंग इन्फ्लोरेसेंस जो है इसका वो टर्मिनल होता है, सिर्फ प्लांट के बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पर फ्लावरिंग दिखाई देती है, और वो भी सीजनल होती है, और कुछ ही प्लांट्स की स्पीशीज के अंदर होती है। प्लांट इज कम्पोज ऑफ 4 parts, रूट, स्टोक, लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो कुल मिला के प्लांट के अंदर 4 ही पार्ट है। रूट सबसे नीचे, उसके बाद स्टोक या फिर स्टेम कह सकते हैं, फिर लीव्स, और फिर टॉप मोस्ट इन्फ्लोरेसेंस। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये स्टेम को दिखाया हुआ है। देखो स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स बहुत क्लियरली विजिबल हैं, और स्टेम के ऊपर नोड्स से क्या अराइज हो रही हैं? लीव्स अराइज हो रही हैं स्टेम के ऊपर। यहाँ पर लीव्स अराइज हो रही हैं, और ये देखो नोड्स और इंटरनोड्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, और नीचे से ये रूट्स निकल रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज दीज प्लांट्स नीड मॉइस्ट कंडीशंस टू ग्रो। इन प्लांट्स की एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि इन्हें मॉइस्ट वार्म कंडीशंस और सनी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। शुगर केन सीड इज ड्राई वन सीडेड फ्रूट और कैरियोप्सिस। अ टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड। अरेंजमेंट ऑफ स्पाइकलेट्स इज रेस्मोस। ओल्डर फ्लावर्स एट बॉटम एंड यंगेस्ट एट द टॉप। तो जो फ्लावर्स के अंदर अरेंजमेंट होती है स्पाइकलेट्स की वो रेसमोस टाइप की होती है। मतलब ओल्डर फ्लावर्स जो थोड़े ज़्यादा मैच्योर फ्लावर्स हैं, ओल्ड हो चुके हैं, वो बॉटम की तरफ होते हैं, और जो नए फ्लावर्स की ग्रोथ होती है वो टॉप की तरफ होती है। फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फर्टाइल पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं। सम वेराइटीज़ डू नॉट फ्लावर एट ऑल,
एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, ये फ्लावर शो किए गए हैं ऊपर टॉप पर, बिल्कुल देखो इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, ओल्डर वाले फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े नीचे की तरफ मिलेंगे और जो नए फ्लावर्स की ग्रोथ हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है। लीव्स का अरेंजमेंट भी देख लो, स्टेम के दोनों साइड्स पर अरेंजमेंट है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, एक यहाँ पर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर थोड़ा और ऊपर फिर थोड़ा और ऊपर, इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट है लीव्स का। लीव्स से एक और इंडिकेशन मिलता है कि जब प्लांट जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो जो नीचे की लीव्स होती हैं वो या तो श्रिवल अप हो जाती हैं या फिर येलो कलर की हो जाती हैं, ऊपर की ग्रीन ही रहती हैं। येलो होना लीव का इंडिकेट करता है कि अब ये ट्री जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है और अब ये हार्वेस्ट करा जा सकता है। सीड्स कैसे होते हैं, अब इसके सीड्स आर ओवेट ब्राउन कलर एंड वेरी स्मॉल एंड दीज रिटेन वायबिलिटी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब ये सीड्स भी जो है बहुत कम टाइम के लिए ही वायबल होते हैं, इन्हें जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाए वैसे ही इन्हें फील्ड के अंदर ग्रो कर दें तो ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लीफ। लीव्स ऑफ केन प्लांट ग्रो अल्टरनेटली ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ केन स्टॉक फ्रॉम नोड्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ शीथ एंड अ ब्लेड विद अ लाइग्यूल इन बिटवीन। इट्स नॉर्मली लाइट ग्रीन कलर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लीफ के दो पार्ट्स हैं, शीथ और ब्लेड। शीथ पार्ट ये वाला और ब्लेड ये वाला। तो शीथ और ब्लेड दो पार्ट्स हैं लीफ के, ब्लेड और शीथ, और बीच में ये लाइग्यूल है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ब्लेड को और शीथ को। ये इसका शीथ का बेस है, ये ओरिकल्स, ये मिडरिब यहाँ से नीचे तक जाएगी ये बिल्कुल, और ये फाइन हेयर्स जो कि आप कह सकते हो लाइग्यूल के आसपास प्रेजेंट है। ब्लेड जॉइंट जो कि लाइग्यूल को ब्लेड और शीथ से जॉइंट कर रहा है, और ये है ड्यूलैप। ओके, सो दिस वाज अबाउट लीफ। लीव्स जो हैं वो जनरली ट्यूबुलर और ब्लेड लाइक होते हैं, सेंटर में थिक होते हैं और मार्जिन से थोड़े थिन होते हैं, और स्टेम को बिल्कुल अच्छे से एनसर्कल करते हैं। ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, लीव्स जो हैं वो ट्यूब्यूलर हैं, जो इसका सेंटर है सेंटर से ये थिक होते हैं और मार्जिन से थिन होते हैं, ब्लेड की तरह हैं, इनकी शेप जो है वो ब्लेड लाइक है, आगे से बिल्कुल नुकीले होते जाते हैं, और स्टेम को बिल्कुल अच्छे से इनसर्कल कर रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस वॉज बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज कल्टिवेशन। Healthy seed sets having high viability is essential to establishing crop. The top one-third portion of cane being immature has buds and good viability and is best to be used as seed. Field is plowed deeply and sets are buried in furrows. जो seed के हम sets उठाते हैं वो cane के ऊपर के जो portion होता है ना, one-third portion ऊपर वाला, वहाँ से हम उन seeds को लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऊपर की stem है वो अभी भी immature है, नीचे वाली तो जल्दी mature हो जाती है, तो ऊपर वाली जो stem है वो अभी भी immature है, उस पर जो seeds लगे हुए हैं flowers के अंदर जो seeds लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे से हम उनको use कर सकते हैं नया plant grow करने के लिए। और इन seeds को पहले field में लगाने से पहले फील्ड को अच्छे से प्लो किया जाता है और उनको फिर वी शेप के फरोज बनाकर उसमें रखा जाता है ताकि अच्छे से ग्रोथ हो, और बहुत डिस्टेंस पर ये ग्रो किए जाते हैं। अब ये जो सेट्स होते हैं ये 2 वीक्स के अंदर लगभग स्प्राउट होना शुरू कर देते हैं, इनमें से दिखने लगता है कि यस शुगर केन ग्रो हो रहा है। प्लांट 10 या 15 महीने के बाद बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अब हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टेम्स को बिल्कुल ग्राउंड के पास से काटते हैं, क्योंकि जो स्टेम का लोअर पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा जूसी पोर्शन होता है, इसीलिए स्टेम को जो है जितना हो सके उतना नीचे से काटा जाता है। मैच्योरिटी पर क्या होता है कि जो लोअर लीव्स हैं वो श्रिवल होने लगते हैं ग्रीन लीव्स को छोड़कर, बाकी सारे जो लीव्स होते हैं वो सब येलो होने लगते हैं या फिर झड़ जाते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि प्लांट जो है वो मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ शुगर। स्टोक्स आर कट एट ग्राउंड लेवल आफ्टर डिगिंग डाउन द अर्थ अप रीजेस। ये हमने देख लिया कि हार्वेस्टिंग हमने कैसे करी है, कि ग्राउंड को बिल्कुल नीचे तक हमने स्टोक्स को काटा है और वहाँ से उसे हार्वेस्ट किया है। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अब हमने वो जो स्टेम्स हार्वेस्ट किए हैं उसको सबसे पहले वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल फील्ड में से आए हैं तो उनके ऊपर और भी डर्ट वगैरह जो आसपास की होती है वो लगी होगी। उसके बाद उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर उसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाएगा।
जो शुगर केन की स्टेम होती है उसको स्टील रोलर्स के नीचे से अच्छे से रन किया जाता है ताकि जो उसका सारा का सारा जूस है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। और सारा जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर उसको पहले तो रोलर्स के नीचे से रोल किया, उसके बाद फिर जो बचा हुआ स्टेम का पार्ट होता है उसको वेट करते हैं ताकि कम्प्लीटली जूस एक्सट्रैक्ट करा जा सके। स्टेम को फिर 3 सेट्स ऑफ रोलर के बीच में से रन किया है एंड देन ड्राई फाइब्रस रेसिड्यू इज बगैजी। उसके बाद जब सारा शुगरी सैप जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसके बाद जो ड्राई फाइब्रस रेसिड्यू बचता है उसे हम बगाजे बोलते हैं। इस पिक्चर में भी देख सकते हो ये बगाजे है। ये जो अब स्टेम है इसके अंदर कोई भी जूस नहीं बचा है, सारा का सारा सैप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। अब ये बगाजे जो है इसको फर्दर इससे और भी चीज़ें यूज़ बनाई जाएंगी और भी कामों में ये यूज़ होगा। तो ये ड्राई फाइब्रस रेसिड्यू है बगाजे। नाउ जूस इज इमीडिएटली प्रोसेस्ड। जैसे ही जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे फटाफट से प्रोसेसिंग के प्रोसीजर पर लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर उसे छोड़ दिया तो शुगर जो है वो फर्मेंट हो जाएगा, सुक्रोज की फर्मेंटेशन हो जाएगी और फिर जूस जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ जूस। अब क्या किया जाता है, उस जूस में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अब वो रोलर्स के नीचे से होके आया तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन सबको रिमूव किया जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ के साथ लेना तो उसे बहुत अनफिट सा रहेगा, इसीलिए उन सभी इम्प्योरिटीज़ को फिर रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए, फिर उनको हीट करते हैं, फिर उसके अंदर लाइम एसिड ऐड करते हैं। लाइम ऐड करने से जो ऑर्गेनिक एसिड्स उसके अंदर बचे होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उसका कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं आता है उसे कंज्यूम करने पर। फिर उसके बाद जो इनसोल्युबल पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको फिर से फिल्ट्रेशन करके रिमूव किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा जूस को प्योरीफाई करने के लिए होता है। पार्टली जूस इज देन रन थ्रू फिल्टर प्रोसेसेस फॉर रिमूविंग द इनसोल्युबल पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रोसेस इज कंसेंट्रेशन एंड डिफिसेशन। इसमें क्या होता है, जूस को सबसे पहले हीट किया जाता है वैक्यूम टैंक्स के अंदर। अब अगर उसको हीट करेंगे तो उसका जो शुगरी सैप है वो बहुत थिक सिरप सा बन जाएगा, बिल्कुल थिक उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और फिर उसके बाद उसके ब्राउन क्रिस्टल्स अलग होने लगते हैं, ब्राउन क्रिस्टल्स सेपरेट होने लगते हैं। इसके बाद उन टैंक्स के अंदर लाइम ऐड किया जाता है ताकि पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब वो जो ब्राउन क्रिस्टल सेपरेट हो गए हैं उसके बाद जो लिक्विड बचता है टैंक्स के अंदर उसे मोलासिस बोलते हैं, और मोलासिस को फिर अलग कर लिया जाता है और इसके भी फर्दर यूजेस होते हैं, जैसे कि अल्कोहल या विनेगर की फर्मेंटेशन के लिए मोलासिस को यूज़ किया जाता है। मोलासिस जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये जो ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के ये अलग हो जाते हैं और जो ये लिक्विड बचा है टैंक के अंदर इसको मोलासिस बोलते हैं। शुगरी सिरप की फॉर्मेशन होती है ना, उसके बाद फिर ब्राउन क्रिस्टल सेपरेट होते हैं और ये मोलासिस लेफ्ट रह जाता है टैंक के अंदर। फोर्थ प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। अब जो ब्राउन क्रिस्टल्स हमने कहा कि सेपरेट हो जाते हैं उनको वॉश किया जाता है, फिर उन्हें डिसॉल्व करते हैं। अब ब्राउन कलर की शुगर तो आपने कहीं पर देखी नहीं होगी, तो उनको डीकलराइज किया जाता है कार्बन के साथ और फिर दोबारा से उनके क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की जाती है। मतलब जो ब्राउन क्रिस्टल्स से पहले उन्हें धोया, फिर उन्हें डिसॉल्व किया, फिर उन्हें डीकलराइज किया कार्बन के साथ, फिर उन्हें फिर से क्रिस्टलाइज किया। नेक्स्ट प्रोसेस इज रिकवरी ऑफ शुगर मोलासिस। शुगर मोलासिस हमने कहा था ना कि जो बच गए थे ब्राउन क्रिस्टल्स अलग होने के बाद, जो नीचे लिक्विड सा बच गया था उसे हमने मोलासिस कहा था ना, उसका क्या करते हैं, इंडिया के अंदर तो उसे एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया जाता है, शुगर इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोलासिस, लेकिन फॉरेन के अंदर मोलासिस से वो फर्दर एक्सट्रैक्शन करके उस मोलासिस से भी वो शुगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में इतना कष्ट कोई नहीं करता है। इसके बाद है कि हम शुगर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है कि महाराष्ट्र के अंदर ही सबसे ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन क्यों होती है? एक तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, पूरे साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है महाराष्ट्र में ही रहता है, रेनफॉल भी साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होती है। अब महाराष्ट्र जो है वो साउथ साइड में प्रेजेंट है तो फ्रोस्ट फ्री डेज होते हैं जो कि शुगर केन की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल काफ़ी पाई जाती है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि शुगर केन की ग्रोथ के लिए बेस्ट सूटेड हैं। इसके बाद वहाँ पर फर्टिलाइज़र जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो बहुत अच्छे से होते हैं, शुगर मिल्स भी उधर से पास पड़ती हैं, क्रेडिटी फैसिलिटी भी है वहाँ पर। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये वहाँ पर शुगर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं।
एक बार फिर से पूरा प्रोसेस देख लेते हैं शुगर केन का। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हार्वेस्ट की हुई शुगर केन है उसको लाया जाता है, अच्छे से उसे क्लीन किया जाता है, धोया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और रोलर्स के नीचे से उसे पास करते हैं ताकि उसका सारा जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल अच्छे से जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो जो स्टेम होती है उसको गीला किया जाता है बार बार ताकि अच्छे से जूस एक्सट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद जो वो स्टेम बच जाती है जिसे हम बगाजे बोलते हैं, उसके फर्दर अलग से यूजेज़ हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और फिर जो जूस वहाँ से निकलता है उसे फटाफट से प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं ताकि सुक्रोज फर्मेंटेशन ना कर जाए। अब आगे उस जूस का क्या होता है कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती है, उसको बार बार फिल्टर करते हैं, हीट करते हैं, उसके अंदर लाइम ऐड करते हैं ताकि वो कंजप्शन के लिए फिट बनाया जा सके। तो बार बार उसके अंदर फिल्ट्रेशन की जाती है ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। उसके बाद कंसनट्रेशन एंड डिफेसेशन, फिल्टर करने के बाद जो जूस बचता है उसको फिर हीट करते हैं। अब हीट करेंगे तो वो थिक हो जाएगा, थिक सिरप बन जाता है। फिर उसके बाद उसके ब्राउन क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग होने लगते हैं हीटिंग करने पर ही। ब्राउन क्रिस्टल्स अलग होने के बाद जो नीचे लिक्विड बच जाता है उस टैंक के अंदर उसे मोलासिस बोलते हैं, जिसको कि फर्दर फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। उस मोलासिस को अलग कर लेते हैं। अब वो जो ब्राउन क्रिस्टल्स होते हैं उनको फिर वॉश किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है और डीकलराइज किया जाता है कार्बन के साथ, और फिर उसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। इसके बाद फिर मोलासिस की रिकवरी के बारे में कि शुगर जो है वो इंडिया में एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं मोलासिस से, लेकिन फॉरेन के अंदर वो फिर से एक्सट्रैक्शन करते हैं मोलासिस में से शुगर की। और हमने देख लिया कि शुगर हम महाराष्ट्र के अंदर ही क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है शुगर के यूजेस। अब शुगर केन से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, सबसे पहले तो यूज देख लेते हैं। गुड़, जो हम कॉमनली घर में यूज़ भी करते हैं, गुड़, चीनी और खांड, ये तीनों चीज़ें जो है शुगर केन से ही मिलती हैं। गुड़ जिसे हम जैगरी बोलते हैं, और चीनी जिसे वैक्यूम पैन शुगर या वाइट शुगर भी बोलते हैं, और खांड या फिर खांडसरी जिसे ओपन पैन शुगर बोलते हैं। शुगर एंड गुड़ आर ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर केन, खांडसरी इज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर केन। बगासे से क्या होता है फिर, फ्यूल या पेपर मेकिंग या बोर्ड मेकिंग, इन सभी के अंदर ये यूज़ किया जाता है। जो मोलासिस था उसे हमने कहा ना कि रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो उस मोलासिस को ले लेती हैं, अल्कोहल या विनेगर बनाया जाता है उससे। उसे कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, कैंडी वगैरह बनाने के लिए मोलासिस का यूज़ होता है, या फिर इसे एज ए मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं कैटल फीड के अंदर। इसके बाद जो शुगर केन है, अब शुगर केन से खाली जूस भी तो बन सकता है, तो शुगर केन का जूस जो है वो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। केन वैक्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स एंड पेपर कोटिंग्स। मतलब अब जो बाकी की वो केन वैक्स बची है उसे हम कॉस्मेटिक्स, पेपर की कोटिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन पेपर भी इसी से फॉर्म होता है। तो ये कुछ यूजेस थे शुगर केन के। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू।